अब यहाँ पे इतना बकलावा देख लिया तो बकलावा खाना तो बनता है, तो दिस इज़ अ बकलावा प्लेट। कुछ तो इनका मेन्यू में ऑफर चल रहा था, तो दिस इज़ बकलावा, दिस इज़ आइसक्रीम, दिस इज़ टर्किश कॉफ़ी जो मुझे ट्राई करनी थी, ये उन्होंने अपने साइड से दिया है। बेसिकली दिस इज़ पाइन एप्पल जूस और ये आई एज्यूम पानी है। ओके, सो दे आर ऑन द हाउस मेन्यू, बढ़ता ही जा रहा है बेसिकली। सो आफ्टर दिस एप्पल टी दे हैव ऑल्सो गिवन मी रेडी फॉर माई फर्स्ट नाइट इन इस्तांबुल। बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई थी ट्रैवल करके, बट सम हाउ क्योंकि मुझे घूमना पसंद है, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे वहाँ एक्सप्लोर करना पसंद है, तो आई वॉज लाइक कॉफ़ी पी के फटाफट रेडी होके आई एम रेडी। सो दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग, इट्स अ क्रॉप टॉप एंड ठंड नॉर्मल लग रही है अभी, 14 डिग्री है, तो एक ब्लेजर एंड माई फेवरेट ज़ारा पिंक पैंट्स एंड लेट्स गो। This lane is super pretty. मैं ना अभी लास्ट वीक ही, सो लास्ट वीक ही आई वेंट टू एजवेयर रोड टर्किश खाना खाने के लिए, और एक्चुअली तभी प्लान, हाँ तभी टर्की का प्लान हुआ था या नहीं हुआ था याद नहीं आ रहा, बट दैट वाज अ रैंडम प्लान क्योंकि मुझे टर्किश खाना बहुत पसंद है, और अब तो लग रहा है कि यहाँ पे जितने दिनों टर्किश खाना खाते खाते लग रहा है मेरा मन ही भर जाएगा, बट आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड। सुबह से आई एम स्टार्विंग, मैंने लंच नहीं किया है, बस वही जो एक सैंडविच एयरपोर्ट पर खाया था एंड जो फ्लाइट पर खाना मिला, दैट्स इट। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू ईट समथिंग। आई एम स्टेइंग इन सुल्तान अहमद एरिया में, जैसे मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था, माई होटल इज़ इन दैट एरिया, द सूरा होटल्स। सो होटल तो मेरा बहुत ही अमेजिंग है, अगर आप लोगों ने वो भी वाला वीलॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइज गो चेक इट आउट, यू विल लव, एंड इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू कम टू टर्की तब तो आपको ज़रूर देखना चाहिए ये, टू यू नो कि यहाँ के होटल्स में क्या होता है। यहाँ की होटल्स में देर इज़ डिफरेंट वाइब ओनली, जिस का हिसाब का वो इंटीरियर करता है एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे दिस पूरा एरिया इज फूड एंड ईटरीज से भरा हुआ है। यस आई विल बी फेमस, वन डे यू कॉल माय नेम। यस, व्हाट्स योर नेम? गुड डे, माय नेम इज जॉन। जॉन, या पल्लवी, सी यू, बाय, यू टू, बाय बाय। सुल्तान अहमद एरिया जो है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द ओल्ड सिटी इन इस्तांबुल। हाय, तो मैं सोच रही हूँ पहले अभी इसी एरिया में खा लेती हूँ, फिर बाकी कुछ एक्सप्लोर करूँगी दूसरी चीज़ें। कितने यम्मी लग रहे हैं ये। पश्मीना कश्मीरी प्रेयर रग्स एंड बैग्स। यहाँ पे ना टर्किश जो स्वीट्स होती है उसमें से बकलावा इज वेरी फेमस। दिस इज बकलावा, अलग अलग वैरायटी के हैं। भाई कितनी वैरायटी ऑफ बकलावा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। सो ये बकलावाज है। Oh my god, this looks super yum, man. बहुत ही टेस्टी लग रही है।
लाइंस, मतलब कलकत्ता में ही ट्राम्स लाइन दिखी है, इडन ब्रावी में मुझे देखी दिखी थी मतलब, बट रोड पे ट्राम्स नहीं दिखे, लाइंस तो दिखे थे रोड्स पे. सो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, दैट इज बेसिकली द ब्लू मॉस्क. यहाँ पे दो बहुत बड़े मॉस्क है, वन इज़ ब्लू मॉस्क एंड वन इज़ हगिया सोफिया. हगिया सोफिया इज़ बेसिकली अ चर्च जिसको कि कन्वर्ट करके मॉस्क बना दिया है. अब ओ ट्राम दिख गई, ट्राम ओ लास्ट में कलकत्ता में ही बैठी थी, नाइस. ट्राम में चढ़ूंगी मैं कल. वाओ कितना प्रिटी लग रहा है ये लाइट मैन, सुपर प्रिटी, गॉर्जियस. ओके सो मैं बस ऐसे ही गोल चक्कर लगा रही थी एंड नाउ आई एम बैक मेरे होटल पे. सूरा, यू कैन सी आगे सूरा है. सो अब मैंने जो गोल चक्कर लगाया है उसमें से ही एक जगह मैं फिगर आउट करती हूँ जहाँ मैं आराम से बैठ के अपना खाना खा सकूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें घूमूंगी. Finally, I have chosen a restaurant. It's Jammu's restaurant, cafe and restaurant. So this is their menu. एजवे रोड में जो टर्किश रेस्टोरेंट्स हैं रेट्स आर सिमिलर लंदन के एजवे रोड और यहाँ के रेट्स में, एंड मेन्यू इज ऑल्सो वेरी सिमिलर. यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ज़्यादा हैं, अदरवाइज इज सिमिलर. सो दिस इज कॉफ़ी मेन्यू एंड आई एम गोइंग टू हैव टर्किश कॉफ़ी क्योंकि मुझे ये पीना है, ट्राई करूँगा. अब यहाँ पे इतना बकलावा देख लिया तो बकलावा खाना तो बनता है. सो दिस इज़ अ बकलावा प्लेट. कुछ तो इनका मेन्यू में ऑफर चल रहा था, तो दिस इज़ बकलावा, दिस इज़ आइसक्रीम, दिस इज़ टर्किश कॉफ़ी जो मुझे ट्राई करनी थी. ये उन्होंने अपने साइड से दिया है बेसिकली, दिस इज़ पाइन एप्पल जूस और ये आई एज्यूम पानी है. सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ माई फूड, माई डिनर. अभी तो मेन फूड जो मैंने ऑर्डर करा है वो भी आना बाकी है. उन्होंने डेजर्ट एंड कॉफ़ी पहले ही ला के दे दिया. लेट मी ट्राई माई टर्किश कॉफ़ी फर्स्ट जो कि मुझे पीनी थी और अभी तक मैंने कभी नहीं पी है. फूड तो खाया है पहले. अ गुड अमेरिकानो आई वुड से, बट आई रियली लाइक दिस कॉफी. बाप रे, इसमें तो दुनिया भर की चीनी दे रखी है. ओह मैन, मैं इतना मीठा नहीं खाती हूँ और ये तो बहुत मीठी है. सो बेसिकली यू हैव बकलावा एंड देन यू हैव दिस कॉफी, तो बैलेंस इट आउट. फूड इज़ हियर. मुझे अब लग रहा है कि मुझे एक ही मंगाना चाहिए. दिस इज़ माय मेन कोर्स बेसिकली. ये है राइस, चिकन सीख कबाब एंड उसके साथ दिया है फ्राइज एंड दिस इज सैलेड एंड देन आई हैव अ स्टार्टर विच इज़ कालामारी ड्रिंक, स्क्विड ड्रिंक, उसके साथ भी फ्राइज एंड स्टार्टर दिए है. आई एम नॉट श्योर मैं इतना फिनिश कर पाऊँगी कि नहीं, बट लेट्स स्टार्ट विद सीक कबाब. एप्पल टी इट्स ऑन द हाउस. उन्होंने आफ्टर क्या बोलते हैं फूड मुझे ये दिया है. लेट्स ट्राई द एप्पल टी. इट्स स्वीट. मुझे ऐसा लग रहा है कि चाय बनाया है और उसमें एप्पल जूस डाल दिया है. But it's nice.
मतलब टैंगी सा है, एप्पल का पूरा एप्पल जूस का ऐसा फ्लेवर आता है ना, अगर आप एप्पी फिज पीते हो तो अपार्ट फ्रॉम दैट फिज इट इज सिमिलर टू द ओके. सो दे आर ऑन द हाउस मेन्यू, बढ़ता ही जा रहा है बेसिकली. सो आफ्टर दिस एप्पल टी दे हैव ऑल्सो गिवन मी दिस फ्रूट प्लेट, दिस इज ऑल्सो ऑन द हाउस. मुझे लगा थोड़ा बहुत फ्रूट आएगा बट मैं इतना फुल हो चुकी हूँ और उन्होंने ये पूरा का पूरा एक फ्रूट प्लेट दिया है. ऐसे जब फ्री चीज़ें मिलती है ना तो खाने की इच्छा नहीं भी होती है फिर भी लोग खा लेते हैं. आई डोंट लव फ्री फूड. बैक इन माई होटल इट्स ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं, 12:45 हो रहा है अभी. सो ये जो सुल्तान अहमद वाला एरिया था दिस इज़ ऑल्सो वेरी टूरिस्टी और मेरा होटल भी यहीं पे था तो मैंने सोचा कि आज इधर वाला ही एरिया एक्सप्लोर करते हैं और फिर कल तो वैसे भी पूरा वो डे टूर होगा लाइक हगिया सोफिया, ग्रैंड बाजार एंड और भी जो भी जगह हैं वो तो कल हम देखेंगे ही. सो या आई रियली हैड एन अमेजिंग डिनर. बाप रे वो लोग तो इतना ऑन द हाउस दे रहे थे फ्री चीज़ें. ओ गॉड, मतलब मैं फिनिश नहीं कर पा रही थी बट सम हाउ आई फिनिश्ड इट एंड इट वॉज अमेजिंग. द फूड वॉज रियली 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 गुड. सो अगर आप टर्की में हो तो यहाँ का ही खाना खाना टर्किश वाला, मतलब यू कैन ऑर्डर पिज़्ज़ा पास्ता दैट्स अप टू यू बट मैं तो नहीं खाऊंगी बिकॉज यार हम इस सिटी में आए हैं, हम इस कंट्री में आए तो वी शुड एक्चुअली एक्सप्लोर यहाँ का कुजीन एंड आई जस्ट लव्ड इट. सो या इट वॉज रियली अमेजिंग एंड बस अब मैं वीलॉग एडिट करती हूँ आज वाला जो भी मैंने सुबह से शाम तक शूट किया है उसके बाद इसको अपलोड करती हूँ. सो मेक श्योर यू वॉच इट, लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीलॉग. टिल देन बाय.